हरिद्वार जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को चोरी, लूट, गृह भेदन के आरोपियों की धरपकड़ हेतु आदेशित निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा शहर एडिशनल एसपी सीमा अलावा तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय खंडवा अनिल सिंह चौहान के निर्देशन में पुलिस थाना पिपलोद की टीम को नवंबर महीने में ग्राम बोरखेड़ा में हुई डकैती के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 नवंबर 13 को फरियादी प्रमिला बाईपति बलिराम जाति कोरकू निवासी ग्राम बोरखेड़ा ने थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं दिनांक 12 नवंबर 22 को मेरी बहन उर्मिला के घर पर रात में खाना खाकर बहन सीमा, लड़की पूजा और खुशी पिछले कमरे में और भाई घनसिंह अगले कमरे में सो रहे थे। बहन उर्मिला ऊपर के कमरे में सो रही थी। रात करीब 2:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज से हम लोग उठे, देखे तो 3-4 व्यक्ति हमारे घर में घुस आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने मेरे पैर में लोहे की रॉड से मारा और बहन सीमा को भी मारा और हमको डरा धमका कर मेरे पर्स में से 13,000 रुपए, मेरा सोने का मंगलसूत्र, धन सिंह का आईफोन मोबाइल, मेरा वीवो कंपनी का मोबाइल और धन सिंह के पर्स से 1,000 रुपए नकद लूट कर ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पिपलोद पर अपराध धारा 458 394 भागने का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। महीने 12/11/2000 है ना 22 को, ये रात को 2:30 बजे के आसपास ये उर्मिला जी हैं जो कि बरखेड़ा में रहती हैं, वो अपनी बहन और अपने भाइयों के साथ घर पे कुछ बच्चे भी थे, तभी उनके घर में कुछ लोग रात को दरवाजा तोड़ के रॉड से दरवाजा तोड़े थे, घर में एंटर किए। उनके साथ मारपीट करने के बाद में था एक मंगलसूत्र, आपके है ना 14,000 रुपये और दो मोबाइल, ये लूट के ले गए थे, जिसपे पुलिस ने 458 और 394 की पुलिस ने कायमी की थी, जिसमें इनका भाई भी था, उसके भाई से उसका पर्स भी छीना, 1,000 रुपये भी छीने, क्योंकि इनके साथ मारपीट वगैरह हुई थी तो पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। थोड़ा सा सुनने में पड़ता था, देहात क्षेत्र में मकान था, कुछ समय बाद वहाँ से जंगल शुरू हो जाता था, इसलिए पुलिस के लिए बड़ा ही ब्लाइंड केस था। इसमें मैं ना बधाई देना चाहूँगी हमारे SDOPO और उनके थाना प्रभारी पिपलोद बलजीत सिंह सेन इनकी टीम को, इन्होंने लगातार लगे रहे और इसको क्रैक करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है, जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। टोटल 9 लोग थे जिन्होंने घटना की है, इसमें 2 लोग अभी पुलिस की कस्टडी में हैं, अनिल पिता रेशु बामनिया और संजय पिता सिकदार, ये दोनों 19-20 साल के लड़के हैं सेवलपुर के, ये थाना आपका चैनपुर पड़ता है खरगोन में, ये वहाँ के लड़के थे, इन्होंने ही अपने 9 साथियों के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके नाम मैंने बताया है, इसमें दोनों मोबाइल जब्त हो चुके हैं, बाकी के शेष 7 आरोपियों जिनकी गिरफ्तारी के लिए थाना विप्लव की टीम प्रयास कर रही है और शीघ्र ही हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। पूछताछ में किस तरह की जानकारी मिली, क्या एक गिरोह है, क्या किस मकसद से लेकर? ये बेसिकली है ना 19-20 साल के लड़के हैं, अब चूंकि बाकी सब आरोपी गिरफ्तार हो गए उसके बाद स्थिति क्लियर होगी तो पकड़ा जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल भी इनका कोई बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हमारे सामने आया नहीं है, चूंकि इनकी कल ही गिरफ्तारी हुई है और अभी पुलिस रिमांड में भी अभी पूछताछ होगी इनके ऊपर, अभी चूंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई बड़ा गैंग है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है इसके लिए थोड़ी डेयरिंग चाहिए, मैं मानती हूँ कि इनका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आसपास के थाना क्षेत्र से निकल के आएगा, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। किस तरह पकड़े गए बेटा? ये थोड़ा सा पुलिस का मुखबिर तंत्र जो होता है वो भी है, दूसरा थोड़ा सा हमने साइबर की भी मदद ली है, और तीसरा जब हमारे यहाँ के हमारे थाना क्षेत्र के जब इन्होंने आरोपियों को उठाया तब मालूम पड़ा कि कुछ खरगोन को लोगों का आमद रफ्त था, इस हिसाब से फिर पुलिस ने इनको पिक किया। थैंक यू।